नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीकू चौधरी ब्लॉग्स में और मैं हूँ नताशा। अभी ना मैं अपना एक पर्सनल जो चीज़ है आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी अपने जो दूसरा चैनल है उस पर शेयर किया था, बट उस वक्त मैंने सबको ये सलाह दी थी कि आप जो मेरे साथ मैंने गलती की है आप ना कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कोई भी आपको ऐसी सलाह नहीं दूंगी, जस्ट मेरे लाइफ के जो साथ में मेरे साथ में हुआ है उससे आपको सबक मिल जाना चाहिए कि कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा नुकसान दे सकती है और हमें कितना ज्यादा नुकसान दे सकती है। ये मेरी रियल स्टोरी है और ये मेरी रियल जो चीजें मैं अपने शेयर कर रही हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे अचानक से जो मुल्तानी मिट्टी है और स्लेट होती हैं उनको खाने का चस्का लगा। मुझे जो स्लेट है उनको मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी। स्लेट जो पेंसिल आती है, उस वक्त वो 5 रुपए का पैकेट आता था, उसमें काफ़ी सारी होती थी। मैं कई सारे पैकेट मंगा मंगा के ला ला के और अपने पास में रख लेती थी और खाती रहती थी। हालत ये हो गई कि पहले मैंने एक खानी शुरू की, फिर दो खानी शुरू की और हालत ये हो गई कि मैं पूरा पूरा पैकेट एक एक दिन में खा जाती थी। खाने की जगह भी उसको खाती थी, बहुत सारी खाने शुरू कर दी। तो जो वो होता है ना, एकदम से जो बोलते हैं ना कि जवानी जाना, मेरे साथ में वही होना शुरू हो गया कि एक यंग एज में मैंने ऐसी चीज खानी शुरू कर दी। एकदम से वो मुझे नुकसान नहीं थी, सब बोलते थे कि ये तुझे बहुत ज्यादा बुरा रहेगा तेरे लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बट मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी क्योंकि मुझे उस वक्त नुकसान ही नहीं देती यार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैं खाती रहती थी खाती रहती थी। फिर धीरे धीरे मेरे साथ में कुछ चीजें होना शुरू हुई जिसका मुझे रीजन मैंने सोचा कि कुछ और है। जैसे कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, काफी ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो गए और मेरे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आने शुरू हो गई। मेरी हेल्थ जो है वो गिरनी शुरू हो गई, मेरे दांत कमजोर हो गए। दांत कमजोर होने के बाद में दांतों से खून आने लगा, साथ में मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा और मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह किसी से शेयर करती थी ना कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो लोग बोलते थे कमजोरी है, बट लोगों को पता नहीं था कि रीजन क्या है। वो बोलते थे कि ढंग से खाना खा, ढंग से ये पी, ढंग से जूस पी, ये वो कर, मैं सब करती थी। उसके बाद में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद में मेरे पास में मुल्तानी मैं लेके गई थी जो स्लेट पेंसिल, क्योंकि मुझे पता था मुझे चस्का है और मेरे से नहीं रहा रहेगा, तो वो मेरे पास में रखा हुआ था। वो किसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने देख ली पैकेट और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करा। मुझे बोलते हैं कि नुकसान दी जाएगी ये वो, और वो उन्होंने जो है वो उसको उठा के और फेंक दी। क्योंकि मैं ससुराल में थी तो मुझे वहां पर काफी दिनों तक खाने को नहीं मिली, मुझे चस्का रहता था बट खाने को नहीं मिली। बट ऐसा नहीं था कि जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सही हो गई थी, मुझे चस्का रहता था, बट जब मुझे लगभग 1 महीने हो गए तो मुझे नॉर्मल हो गई मैं, मतलब मेरा खाने का इतना ज्यादा मन नहीं करता था, नॉर्मल हो चुकी थी मैं उस वक्त में। उसके कुछ टाइम बाद में मुझे इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन की वजह से मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। मैंने वहां पर डॉक्टर से शेयर की कि मुझे प्रॉब्लम पता ही नहीं क्या हो रही, मैं ऐसे ऐसे मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं मेरे बालों को, सब कुछ बताया। उन्होंने भी मुझे कहा कि कमजोरी है और कई सारे टेस्ट मुझे लिखे, टेस्ट मैंने कराए, उसमें ब्लड टेस्ट भी था। तो ब्लड टेस्ट जब हुआ तो मेरी ब्लड काउंट काफी ज्यादा कम आई, 7 के करीब आई। तो उन्होंने कहा कि यार इस एज में इतनी ज्यादा कमजोरी, उन्होंने मुझे डाइट पूछी कि क्या खाते हो, मैंने बताया। तो मेरी भाभी मेरे साथ में थी, उनको पता था कि ये भैया इनका यो, तो उन्होंने वहां पर साफ बोल दिया कि भाई ये मुल्तानी मिट्टी बहुत खाती है, पैकेट खा जाती है। तब मुझे डॉक्टर ने इसके बारे में बताया कि यही तुम्हारी जो हेल्थ है उसको गिरने का कारण है, तुम्हारे नीचे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उसका कारण है, कमजोरी की वजह से तुम्हारी आंखें जा रही है, कमजोरी की वजह से तुम्हारे जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, बार बार तुम्हें इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि तुम्हारा काफी ज्यादा वीक पड़ चुका है और जो तुम्हारा पेट है वो इतना ज्यादा गड़बड़ रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इतनी सी एज में ये सब चीजें प्रॉब्लम हो जो आ रही है। उसका रीजन यही है कि तुम्हारे शरीर में अंदर वो जाकर जम चुकी है और तुम्हें वो बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी है। मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, मैं दवाई खाऊं या कुछ करूं। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी जिससे मेरी जो शरीर की कमजोरी थी वो दूर होने वाली थी। जो कुछ विटामिन वगैरह लिखे, आयरन वगैरह लिखे, सब कुछ मैंने खाया था, उससे मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन क्या था कि जो वो मेरे शरीर को डैमेज कर चुकी थी ना अंदर से, वो चीज सही नहीं हुई और जो वो अंदर जम रही थी
वो भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे किसी ने कुछ सलाह दी, उसके बाद में मैं वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने जो है वो चीजें ट्राई करनी शुरू हुई। उसके बाद मुझे अपने शरीर में काफी ज्यादा फर्क आना शुरू हुआ, बट वो मेरे शरीर को जो डैमेज कर चुकी थी वो अब तक रिकवर नहीं हुआ। हाँ इतना है कि जो आयरन वगैरह की कमी थी वो दूर हो गई, जो कैल्शियम वगैरह की कमी थी वो दूर हो गई, बहुत सारी चीजों की शरीर में कमी आ गई, जैसे ब्लड की आ गई थी, मेरे ब्लड काउंट जो है वो भी बढ़ गए, 9 के करीब हो गए, पूरे 11-12 के करीब अभी भी नहीं हुए थे उस टाइम पहले मैंने चेक कराया था, तो वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। काफी सारी ठीक चीजें ठीक हो गई, लेकिन अभी भी मेरे साथ में काफी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने दांतों के डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मेरे दांत जो है वो कमजोर हो चुके हैं पहले से, और कई बार ऐसा होता है कि ब्रश करते टाइम जो है ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट चलता है, कई बार ऐसा हो जाता है ब्रश के टाइम पे ऐसा होता है। साथ में मुझे कमर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम है, मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी और मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और आई थी कि मुझे जो मेरे ये खाने की वजह से मेरी जो सांस की नली थी उसमें स्वेलिंग आ गई थी, उस स्वेलिंग की वजह से मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा है। और आप जानते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर तुम इस चीज को और ज्यादा खाती या करती तो तुम्हें दमा हो सकता था, तुम्हें टीबी हो सकती थी, डॉक्टर ने मुझे खुद ये चीजें बोली हैं। तो मैं अभी किसी को ये नहीं कहूंगी कि लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, जो लोग ये खा रहे हैं तो जिनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी और ये प्रॉब्लम आप कितनी भी मेडिसिन खा ले इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, ये आपके साथ में हमेशा चलने वाली है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले अपने चैनल पर काफी ज्यादा वीडियो बना चुकी हूँ वी आर ब्यूटीफुल पर, कि किस तरीके से आपको छोड़ना है, किस तरीके से गंदगी साफ करनी है पेट की, सब कुछ बना चुकी हूँ। तो सब लोग मुझे यही बोलते हैं बार 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 बार, यही मैसेज आता है कि मैम हम ये भी कर चुके वो कर चुके, हम नहीं छोड़ सकते। तो आपकी अंतर आत्मा ही नहीं छोड़ना चाह रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था, तो मैं इसमें कोई आपको ये नहीं कहूंगी, लेक्चर नहीं दूंगी या कि यार आप छोड़ दो ये वो कर दो वो कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में ऐसा बोल चुकी हूँ। मैंने सिर्फ शेयर किया है अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, अगर आपके भी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ में शेयर कीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाना जरूर पसंद करूंगी, क्योंकि मेरे चैनल पर काफी सारे मैंने वीडियो जो बनाए उसमें लोग ऐसी ऐसी चीजें मुझे बताते हैं ना कि ये खाने के बाद में वो खाने के बाद में उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है, कि आप सुन के संग रह जाएंगे। ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस था कच्चे चावल का, जब मुझे स्लेट पेंसिल नहीं मिली ना उसके बाद मैंने कच्चे चावल खाना शुरू कर दिए थे और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो मैं कभी और शेयर करूंगी। यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।